बेटा स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली पैसे नोट करें तमाम। मैंने दोबारा एक दफा रिपीट आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से देखें, ये लास्ट लेक्चर है, इसमें आपने सारी बातें जो है क्लियर करनी है। मैंने बताया है सबसे पहले तमाम इंडेफिनिट को कंटिन्यूज में करना है, कंटिन्यूज जो है सब में बीइंग लगा देनी है, तमाम जो परफेक्ट टेंस है उसमें आपने बिन का इस्तेमाल करना है, ये तो है टेंस का इस्तेमाल। अब है लेट का इस्तेमाल, लेट तीन तरह से इस्तेमाल होते हैं। नंबर एक, लेट जो बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है, ये नोट करें, लेट बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी लेट बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी वही लेट है बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जब इसको इम्पेरेटिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो स्टार्ट लेट से लेंगे। एक दूसरे नंबर पे यहाँ पर लेट तो पहले ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ बच्चे तीन चीज़ों में। और ये आगे है इन्फिनिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर बी का इस्तेमाल होगा, लेट का नहीं होगा। ये देखें तीन तरह का है, एक ये है, एक नोट करें ये है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस ये है, और दूसरा लेट बताते को स्टार से शुरू हो रहा है। तो तीन तरह का इस्तेमाल मैं बताता हूँ अभी कैसे करना है। अभी यही लेट्स मी गो होम बतौर वर्ब है, हमने टेंस का ही हर जगह पे इस्तेमाल करना है। ये गौर से देख लें, ये लेट जो है बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, एस साथ मौजूद है, लेट 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने बताई है, लेट ही है। हमने चेक करना है कि ये लेट कौन सा टेंस है, एस के हिसाब से, जब मैंने कहा था एस और ई एस का इजाफा होता है इंडेफिनिट में, तो एस के हिसाब से इल्म हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटिन्यूज में ले जाएंगे और कुछ भी नहीं है, तो ये मी या मी का आई बन जाएगा। और इसको कंटिन्यूज में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है, आई एम बतौर हेल्पिंग वर्ब जो है एम लगेगा, आई एम आगे है, इसके बाद आई एम, तो इसके बाद लगेगा बेटा लेट, आई एम लेट, आगे है गो होम, ये गो जो है ये भी वर्ब है, गो जो है ये भी वर्ब है, लेकिन लेट जो है इसको पहले इस्तेमाल किया है बतौर वर्ब, हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब जो अगला वर्ब आने वाला है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये लेट की थर्ड फॉर्म मैंने लगाई है, आई एम लेट गो होम बाय, आगे ही का हिम बन जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी मुश्किल है, तो मुश्किल तो इसमें है नहीं, सिर्फ हमने टेंस चेंज किया और कुछ भी नहीं किया, नोट करते जाएं, सिर्फ जो टेंस की चेंजिंग है, शी डिड नॉट लेट मी रीड द बुक, इसमें क्या किया, शी डिड नॉट, जैसे डिड से भी हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पे सिर्फ लेट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसके बाद ना तो हैज हैव है ना एस है, तो ये भी सेकंड फॉर्म है, तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूज में करेंगे, कैसे करेंगे देखें, मी का आई कर देंगे, आई के बाद पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूज के आई वाज करेंगे, आई वाज, आई क्या करेंगे, आई वाज नॉट, नॉट जो है बेटा नेगेटिव जो है, नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया मैंने, आई वाज वही थी फार्मूला है, सिर्फ वर्ब है और कुछ भी नहीं, आई वाज नॉट लेट, आई वाज नॉट लेट रीड द बुक, बाय हर, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, लेट को बतौर वर्ब भी रहने दिया, यानी बतौर वर्ब भी लेट इस्तेमाल हो रहा है, आगे शी यू शुड लेट हिम डू इट, ठीक है। इसमें जो शुड वुड आ गया, इसमें देखेंगे कि शुड वुड को भी चेंज नहीं करते, वही रहेगा क्योंकि इसका टेंस चेंज है ही नहीं, डेफिनेट कंटिन्यूज और परफेक्ट चेंजिंग है, इसमें तो चेंजिंग है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हिम हिम का क्या करेंगे, ही कर देंगे, ही के छोट का छोटी रहने देंगे क्योंकि इसकी चेंजिंग मैंने बताई नहीं है, ही शुड, क्योंकि ये जो है मॉडल वर्ब है, इसमें बी का इस्तेमाल होगा, मॉडल वर्ब में बी का इस्तेमाल होता है, इम्पेरेटिव में बी का इस्तेमाल होता है, ऑप्टेटिव में बी का इस्तेमाल होता है, समझ आ रही बात की, ये मॉडल में आ रहा है तो इसमें आप बी का इस्तेमाल करेंगे, इजाफा ही शुड बी, आगे लगाएंगे डू का क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म डन, ही शुड बी डन बाय, बाय यू, ही शुड बी डन बाय यू, तो आगे इसमें करेंगे बेटा, करेंगे ही शुड बी लेट
लेट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगा दी है, मैंने डू की डन कर दी थी थर्ड फॉर्म, ही शुड बी लेट डू इट बाय आर यू। अपनी बात बंद करें। देखें शाबाश, मैं भी वही फार्मूले को बताया, ही शुड वही शुड रहने दिया, बी क्योंकि ये मॉडल वर्ब है उसके लिए मैंने इस्तेमाल किया, आगे लेट का जो थर्ड फॉर्म लेट लगा दी है, ही शुड बी लेट डू इट बाय यू। अब डू का डन नहीं करेंगे क्योंकि लेट की थर्ड फॉर्म पहले लग चुकी है, तो ये टेंसेस के तौर पे इस्तेमाल हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसको इम्पेरेटिव में, जब सबसे इम्पेरेटिव वो होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं, डू इट यो ये करो, जिसके करेंगे इसका जब इम्पेरेटिव शुरू होता है तो उसमें पहले लेट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लेट बतौर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे लेट बतौर वर्ब इस्तेमाल जो क्या नाम है स्टार से शुरू हो रहा है लेट, लेट बी डन। गुड, तो लेट की हम देखें, लेट जो स्टार में लगाया ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे लेट इट, तो थर्ड फॉर्म से पहले बी लगा दिया, इंपेरेटिव में बी लगता है, लेट उसको ऑब्जेक्टिव किया, लेट इट बी डन। ठीक है, आगे है ओपन द डोर, इसमें भी पहले लेट लगेगा, क्या लगेगा लेट लगेगा, और ऑब्जेक्टिव को करेंगे सब्जेक्टिव, लेट द डोर, और थर्ड फॉर्म से पहले लगाएंगे बी, लेट द डोर बी ओपन ड्रंक, जब ड्रिंक का ड्रंक हो जाए, लेट द डोर बी ओपन क्या है, शाबाश, फार्मूला वही लगेगा सब में, तो क्या है लेट, लेट स्टार्ट में लगा दिया, डोर जो है उसमें सब्जेक्ट बना दिया।